नमस्कार, मैं हूं संदीप ग्रोवर और आप देख रहे हैं मनी नाइन झटपट। बेकाबू हो रही महंगाई पर लगाम लगाने के लिए आखिरकार रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला ले ही लिया है। रेपो रेट 0.4% बढ़ाकर 4.4% कर दिया गया है, पर क्या आरबीआई के इस कदम से महंगाई की आग थम जाएगी और इसका आर्थिक विकास दर पर क्या असर पड़ेगा, इसे जानने के लिए पहले देश की आर्थिक स्थिति पर नजर डाल लेते हैं। अगर हम वस्तुओं की बात करें तो स्थिति गमगीन है। मांग तो है लेकिन सप्लाई की कमी बाधा के रूप में काम कर रही है। चाहे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो या ऑटोमोबाइल क्षेत्र, कच्चे माल की कमी दोनों सेक्टर्स के लिए चिंता का कारण है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते राजनीतिक अनिश्चितता के साथ साथ कोविड महामारी ने ग्लोबल सप्लाई चेन में बाधा उत्पन्न की है और दुनिया का ये एकीकरण यानी वैश्वीकरण अब पूरी दुनिया के साथ साथ भारत की आर्थिक सुधार में अड़चन का काम कर रहा है। इस वजह से कमोडिटी की कीमतों में तेजी आई है, जिससे कंपनियों को कीमतें बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हालांकि कंपनियां बढ़ी हुई लागत को पूरी तरह पास ऑन करने में असमर्थ हैं, क्योंकि इससे मांग पर काफी असर पड़ेगा। एफएमसीजी कंपनियों के तिमाही नतीजों में आय तो बढ़ी है पर वॉल्यूम ग्रोथ मामूली रही है। कंपनियां ब्रैकेट का आकार भी कम कर रही हैं, जिसे स्क्रिंगफ्लेशन या सिकुड़न का नाम दिया जा रहा है। एक बात तो साफ है कि महंगाई के बादल मंडरा रहे हैं और आर्थिक रिकवरी की पार्टी को बर्बाद करने के लिए तैयार हैं। खुदरा महंगाई 7% के करीब पहुंच गई है, वही थोक महंगाई की बात करें तो 14.5% के आसपास पर यह भी पहुंच गई है। और ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, दुनिया भर में बढ़ती महंगाई ने विकसित देशों के सेंट्रल बैंकों को हरकत में ला दिया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड 3 बार दरें बढ़ा चुका है, फेड की इस साल के लिए बड़ी तैयारी है और आरबीआई ने सबको चौंकाते हुए रेपो रेट को 0.4% बढ़ाकर 4.4% कर दिया है। रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है। ये अन्य सभी तरह की ब्याज दरों के लिए दिशा निर्देश का काम करता है, जिसका मतलब ये हुआ कि सभी तरह के लोन पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की नींव रख दी गई है। दरों में बढ़ोतरी इकोनॉमी में मनी सप्लाई के साथ साथ महंगाई को कम करने के लिए की जाती है। पर क्या इस फैसले से महंगाई वाकई में काबू में आ जाएगी? खैर, जब तक सप्लाई चेन की अड़चने और राजनीतिक अनिश्चितता से जुड़ा तनाव कम नहीं हो जाता, तब तक व्यापार मार्ग प्रभावित होंगे, जिससे दुनिया भर के पोर्ट भीड़भाड़ वाले रहेंगे और माल भाड़ा ऊंचा ही रहने वाला है। यह महंगाई के पीछे के असली कारण है। क्या आरबीआई, फेड, बैंक ऑफ इंग्लैंड इन पर काबू कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। इतना ही नहीं, सेंट्रल बैंकों के फैसलों का असर कुछ समय के अंतराल के साथ आता है, यानी तब तक महंगाई की आग जारी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ इससे लोन की दरें भी बढ़ेंगी, यानी कार घर खरीदने के लिए लोन लेना महंगा हो जाएगा, जिसका असर मांग पर पड़ेगा। कंपनियों के लिए कर्ज लेने महंगे हो जाएंगे और इसका असर क्षमता विस्तार योजनाओं पर पड़ सकता है। यहां तक कि शेयर बाजार भी नकारात्मक प्रतिक्रिया देगा, क्योंकि सस्ते पैसे के दम पर ही तो लिस्टेड कंपनियां तेजी के बारात में नाच रही थी। कुल मिलाकर छोटी अवधि में कम आर्थिक विकास के साथ अधिक महंगाई का दौर जारी रहने के संकेत है। सप्लाई चेन में सुधार और सेंट्रल बैंकों की पॉलिसी का असर मध्यम अवधि में आएगा, जब स्थिति में सुधार की उम्मीद की जा सकती है, पर तब तक उपभोक्ताओं, कारोबारों और निवेशकों के लिए दिक्कतें जारी रहने की आशंका है।